ठीक है, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना। बीटा क्यूब बाई टू कॉसेक स्क्वायर वन बाई टू टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा प्लस अल्फा क्यूब बाई टू सेक स्क्वायर वन बाई टू टेन इनवर्स अल्फा बाई बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन है प्रूव दैट, हाँ भाई देखिए साहब करना क्या है वो उस पर चर्चा करते हैं अपन, है ना। करना क्या है, आपने कल मेरे को एक जगह पे दौड़ते हुए देखा होगा कि मैं क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक देखने के लिए चला गया था कि ये बीटा बाई अल्फा है तो ये अल्फा बाई बीटा तो नहीं है। याद होगा आपको पिछले लेक्चर के दौरान मैं ये देखने चला गया था कि कहीं यार ऐसा ना हो जाए। मेरे साथ कई बार ऐसी चोट हो चुकी है, मैं एक को थीटा मान के चल दिया, लास्ट में मेरे आंसर नहीं मिल रहे थे, बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमाग लगाया, लास्ट में पता चला है ना एक सुसाइडल एरर मैं कर चुका था ढंग से नहीं देखने की, जबकि यहाँ पे मैंने ढंग से देख के लिखा है एक बीटा बाई अल्फा है तो दूसरा अल्फा बाई बीटा है ना। तो सबसे पहली बात तो अंदर वाले को है ना मेरे को लेना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, याद है नियम नंबर दो, अंदर वाले को क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉसेक है। मेरी तो पूरी चेष्टा रहेगी अंदर वाला कॉसेक इनवर्स बन जाए, नहीं है आपको मेरी बात, भाई मेरे दिमाग में तो ये चलता रहेगा ना कि मैं कैसे भी करके इसको कॉसेक में बदल दूं, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स तो एक इनवर्स में दूसरे बंदा इनवर्स में बदलने के लिए मेरे पास टेन थीटा किसी का कोई रास्ता नहीं, ओ सॉरी ट्राइंगल किसी का कोई रास्ता नहीं, तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए। नियम नंबर दो, नियम नंबर दो मैंने आपको ये बताया था कि ट्रायंगल में बदलने काफी नहीं होता, मैं वापिस आपको याद दिला देता हूँ ताकि हम बार बार नहीं भूलें। जब यहाँ बार टू होता है ना यहाँ, तब मैं इतने को थीटा मानता हूँ, और जब बार हाफ होता है ना मैं पूरे को ले लेता हूँ, पूरे को ही ले लेता हूँ थीटा, क्योंकि मेरे को बहुत फायदा होता है उसमें। कह रहे हैं अगर आपको मेरी बात याद आ रही है, ये थीटा हो गया, तो आप में से कई लोगों को टू थीटा दिख गया होगा, तो टेन टू थीटा दिख गया, नहीं दिखा तो टेन टू थीटा इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा हो गया, सही ना भाई। ट्रायंगल में आ गया मैं, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, राइट है भाई। मतलब इतनी दूर तक अपन ने निभा लिया। अच्छा अगर ये टेन टू थीटा हो गया तो फिर सर इसका क्या करोगे, मैंने कहा सोचते हैं ना, इसका मतलब अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, अगर बीटा अपॉन अल्फा बराबर टेन टू थीटा, हाँ एक बच्चे के दिमाग में कॉट टू थीटा नहीं है आपको। अच्छा क्या आपको लगता है कि मैं इससे टेन पाई बाई टू माइनस थीटा लिखूं, सोचो कॉट थीटा को पाई बाई टू माइनस थीटा लिखना गलत तो नहीं है, यहां तक की बात तो समझ में आई गई होगी। अच्छा अब मेरी अगली बात पे फिर नजर रखना, क्या मैं पाई बाई टू माइनस टू थीटा को पकड़े रखता हूं और टेन को उधर ले जाता हूं तो क्या ये टेन इनवर्स अल्फा बाई बीटा हो गया, दोबारा सोचिएगा। अरे पाई बाई टू माइनस टू थीटा को इधर ही पकड़े रखा, टेन को उधर भेज दिया तो टेन इनवर्स ये हो गया, यहां तक तो हो ही गया ना, है ना। अब मैं देखो एक एक ही खेल से खेल रहा हूं, एक ही गेम को खेल रहा हूं, मेरी बात सुनना, बहुत अच्छी बात है ये, बात आपको आनी चाहिए क्योंकि है ना पहला क्वेश्चन, मतलब आपको पता चल रहा होगा अभी तो मैं थीटा थीटा के बाजार में खेल रहा हूँ, क्वेश्चन में तो आया ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे क्वेश्चन में आने देने का मौका ही नहीं बना। आप इसको समझो इस बात को कि आप कितनी गहराई में उतरने वाले हो, मैंने इसको थीटा माना है, इसको फाई नहीं माना, मैंने एक से खेला है और मैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा दोनों के साथ गेम खेलना सिखा रहा हूं मैं आपको, मैं एक के साथ खेलता हूं लेकिन दो के साथ हो गया मेरा काम नहीं है, एक को थीटा माना है वो ऑटोमेटिकली मेरे साथ फ्री हो गया है, एक जना अभी भी नहीं समझ में आ रहा, नहीं तो मैंने अब तक आपके उसमें ये फीड करा है कि एक को अल्फा तो दूसरे को बीटा मानो, अगर दो इनवर्स अलग अलग हो तो, जबकि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं कि मैं एक को थीटा मान रहा हूं तो दूसरे को पाई बाई टू माइनस टू थीटा से काम चला रहा हूं। अरे एक अगर मिल रही टू थीटा है ना, काम आ गया एक तो टू थीटा, ये रहा टेन वर्स बीटा बाई अल्फा इक्वल टू टू थीटा, अगर ये मेरे लिए टू थीटा है तो टेन वर्स अल्फा अपॉन बीटा पाई बाई टू माइनस टू थीटा हो गया, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, मैं वही सिखा रहा हूं आपको, कई बार पता नहीं चल पाता कि मैं किस तरफ चला गया, लेकिन मैं आपको बात की गहराई समझा रहा हूं कि इसका वजन क्या है, राइट है।
अगर आपको बात समझ में आ गई, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। सबसे पहले दुनिया में LHS उठाया जाता है, मैंने भी LHS उठा लिया, सही है। अब LHS की बात पे भी आ गया, सही है। हाँ भाई, LHS में मेरे को क्या दे रखा था? LHS में मेरे को दे रखा बीटा क्यूब बाई टू इंटू में कॉसेक स्क्वायर, सही है ना भाई, 1/2 इंटू, सोच के बोलना, 1/2 इंटू 2 थीटा, वेरी गुड, नहीं पल्ले पड़ा, सही है ना। आप ही को बताना है धीरे धीरे सोच सोच करके कि भाई बराबर जा रहे हो सर आप। अल्फा क्यूब बाई टू इंटू में सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 इंटू हाँ पाई बाई टू माइनस 2 थीटा। अब आप थोड़ा सा मूव करे हो, चलो ये हट गया, सही ना। ये कितना हो गया था? बीटा क्यूब डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोसेक वोसेक में देखने की आदत हमारी है नहीं, देखो सच्ची बात है, सबको पता है बात, ठीक है ना। प्लस में अल्फा क्यूब बाई टू, ठीक है ना, इसको मेरे को सेक स्क्वायर में पकड़े रखना पड़ा, अरे क्योंकि अभी अंदर वाला डील ही नहीं हुआ था, तो मैंने इसको कितना लिखता हूं, पाई बाई 4 माइनस थीटा, श्योर है। अच्छा, तब तक किसी के दिमाग में भी आ सकता है सर इसको क्यों ना आप कॉसेक में बदलो, सेक को कॉस में बदलो, तो मैं इसको लिख देता हूं अल्फा क्यूब अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस थीटा, सही है। अच्छा, अब इसको फिर दिमाग लगाना, बीटा क्यूब डिवाइड बाई इसे मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमारी दुनिया में 2 साइन स्क्वायर थीटा का एक ही उपाय है और कोई उपाय ही नहीं है। 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब जरा सा भी पढ़ा लिखा बच्चा जानता है एक ही तरीका है सर के पास, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहां तक भी बात पकड़ में आ रही हो? अच्छा, सो सर एक बार के लिए सर इसे 2 कॉस स्क्वायर 5 मान लो, नहीं पल्ले पड़ा, इसे मैंने 2 कॉस स्क्वायर 5 मान लिया, 5 एक तरह से 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है 1 प्लस, एक सेकंड मैं लिख लूं इससे पहले कि आप भूल जाओ, अल्फा क्यूब अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा ही पूरा है ना, तो 2 इंटू, अब आप दूसरी जगह ट्रैप हो गए मेरे पास, आपको नहीं पता बीटा क्यूब, इसको तो मैंने कहा थोड़ी देर होल्ड पे रहे भाई, ठीक है ना। प्लस अब आपको दिख गया होगा ये बन गया कितना, अल्फा क्यूब अपॉन में 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं कॉस में कितना, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, आपको पता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन 2 थीटा, क्या बात है क्या बात है, लिख दो डायरेक्ट साइन 2 थीटा। अब एक कॉस में और एक साइन में, और तकदीर कितनी अच्छी है कि मेरे पास एंगल भी 2 थीटा है, आपको पता नहीं है ये एंगल भी 2 थीटा है क्योंकि टेन 2 थीटा के लिए काम हुआ था। अगर मेरे पास टेन 2 थीटा बराबर बीटा बाई अल्फा है, तो कोई मेरे को जल्दी सोच के बता दे कॉस 2 थीटा कितना होगा, अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस, अच्छा जल्दी से ये भी सोच लो कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू बीटा अपॉन अंडर रूट में कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या आप ये बात यहां तक भी पकड़ गए? अगले पॉइंट पे आगे चल रहा हूं, रेडी ना भाई, अगला आइए सर, अब मेरे को फिर से समझाना क्या आगे का क्या चाहते हो। हम वैल्यू पुट कर दूं, बीटा क्यूब अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अल्फा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस नीचे की तरफ कितना, अल्फा क्यूब अपॉन में कितना 1 प्लस बीटा अपॉन, भारतीय बेचारे बहुत कमजोर दिल के होते हैं। हाँ भाई, अब देखिए साहब साइन 2 थीटा, इसीलिए नंबर नहीं देना चाहिए किसी को, ठीक है, बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा खैर, आप में से कई लोग कॉपी की तरफ भाग गए थे, ठीक है, और कई लोग अच्छा आ रहे हैं आज अपने वो नहीं किया, अच्छा पहला पीरियड है अभी, तो बातें इकट्ठी नहीं हुई होंगी ना, बातें नहीं करी हाँ और क्या। अच्छा कितने लोगों को लगता है कि ये इसके बाद में अगला स्टेप सोचने लगे, क्या आपने सोच लिया अगला स्टेप है मेरे लिए बीटा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस अपॉन में नीचे कितना रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा, प्लस में इधर बन गया अल्फा क्यूब अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सही है। क्या ये दूर दूर तक RHS की तरफ जाता हुआ लग रहा है, सही है ना भाई। अच्छा अब आप में से किसी को अगर समझ में आ गया तो मेरे को बताना, देखो जरा बीटा क्यूब अंडर रूट के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो मैं कर रहा हूं उसका जवाब देना क्या किया गया होगा। नीचे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू में इसी के साथ में लिख रहा हूं अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा, क्या बात है पहचान गया। अच्छा इसके साथ भी रेशनलाइज, हाँ कई लोग कैसे होते हैं इसके साथ रेशनलाइज, अरे भाई क्या करें
ठीक है, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में नीचे की तरफ रैशनलाइज करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और ऊपर की तरफ हो गया अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा। श्योर है? अच्छा तो आपको पता ही होगा ये और ये कट गए, ये कट गए, क्या रह गया दुनिया में? बीटा। इसका आप मेरी जगह होते तो क्या करते? हाँ ऊपर ऊपर वाले को कट कर दे। ये बात समझ में आई? यहां क्या करते बोलो? क्या अल्फा स्क्वायर से यहां अल्फा रहता था। अच्छा दोनों में अभी हाथों कॉमन क्या रहा है? अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस। अच्छा और कुछ? जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है। नहीं आप थोड़ी सी गड़बड़ कर गए, दोबारा दिमाग लगाओ, दोबारा दिमाग लगाओ, क्या करते हैं जल्दी सोचो। बहुत क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, जल्दी सोचो। अरे मैं तो इन दोनों की इसकी बीटा की और इसकी इससे करता सबसे पहले, आप बताओ क्या होता? बीटा इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर खुले में, अभी भी नहीं आया। फिर बीटा इंटू इसकी से करूं तो अल्फा बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस, अब बीटा अल्फा इंटू इसकी मल्टीप्लाई करो बोलो, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस में अल्फा बीटा अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई आवाज आई? सटसट। हाँ भाई अगले बताओ दोनों में कॉमन क्या रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अंदर ही अंदर क्या बच रहा है? अल्फा प्लस बीटा, जो कि सही है, ठीक है ना। चलो बोर्ड में आएगा तो छह नंबर का, बोर्ड में आया तो छह नंबर का। सोचो आप, दिमाग लगाओ आप, इस तरह इतनी दूर ये आईटी में आया क्वेश्चन है फिलहाल, ठीक है ना। हाँ और आईटी के अंदर अगर भाई ये जिन दिनों आया था उन दिनों इंटीजर की जरूरत नहीं हुआ करती थी, अगर इंटीजर में डाल देना तो बहुत इजीली आ सकता है क्वेश्चन। जैसे अल्फा और बीटा की कुछ वैल्यू डाल दी और आपको दे दिया कि जाओ ढूंढो, बहुत इजीली डिटेक्टेबल है। इस पूरी कहानी में इनवर्स नहीं, यहां साथ छोड़ दिया था, यहां तक ट्रिग्नोमेट्री पीछा करती रही। अरे ऐसा कौन सा पेन लिया है तुम लोग, यहां तक भी नहीं पहुंचे। अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा इज रियल रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 1, फाइंड ए टैन इनवर्स अल्फा प्लस टैन इनवर्स 1 अपॉन अल्फा, बी कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन अल्फा। देखिए इससे पहले कि आप अपने पुराने उसमें हिस्ट्री में जाके देखें, आपकी क्यूबिक इक्वेशन सिर्फ क्वाड्रेटिक में आई है, ठीक है ना, और इसके सिवा आपका क्यूबिक से कोई खास पाला नहीं पड़ा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आप ट्वेल्थ में हो तो आपके लिए सोचने का एक नया नजरिया भी खुलता है, ठीक है ना, क्योंकि इस साल से आप किस तरफ आ जाओगे, इस साल से आप डिफरेंशिएशन पढ़ने लग जाओगे, है ना। और आपको नहीं पता आप डिफरेंशिएशन एक तरह से पढ़ना चालू कर चुके हो, और आप डिफरेंशिएशन कहां से पढ़ रहे हो? आप डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो आपके फंक्शन से, आपने नहीं ध्यान दिया। आपको हम लोगों ने बार बार वन टू वन फंक्शन के लिए एफडेसेक्स निकलवाया है, याद आया? और मैं बार बार ये बोल चुका हूं कि अगर एफडेसेक्स पॉजिटिव तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है और वन टू वन है, और फंक्शन एफडेसेक्स अगर नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और वन टू वन है। चाहे फंक्शन इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, दोनों ही केसेस में फंक्शन वन टू वन है, बशर्ते कि एफडेस एक्स ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। श्योर हो? नहीं आता है? देखिए मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मैं आपको कह रहा हूं, पिछली बार आपको मैं बार बार कह रहा था मेरे साथ रहिए, आप पता नहीं शायद बोलने की वजह से शायद थोड़ा बहुत आप साथ रहे, जिसकी वजह से आपने शीट में थोड़ा बहुत ही सही, मेरे को नहीं पता उसमें कितने फेक एंड से, बाकी जितने लोगों ने हाथ खड़े किए अगर भाई देव उसका आधा कर दिया तो भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं जानता हूं लास्ट ईयर मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के ट्वेल्थ के बच्चे और इस साल के ट्वेल्थ के बच्चे में एक ही चीज का फर्क है, उल्टा और खराब खेप आई है, समझ रहे ना, मतलब और खराब नस्ल आनी चाहिए, जबकि अब बेटर हो, पता नहीं कैसे, बाई चांस अब बेटर हो, ठीक है ना।
तो अब मैं नहीं चाहता कि इस लेवल तक आप पहुंच करके नीचे चले जाओ, ठीक है ना। कोशिश कीजिए कि वो मैच्योर रही है अब थोड़ा। अल्फा अपने आप में इसका रियल रूट है। रूट माने वो जगह जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। देखिए साहब, अगर आपको एफएक्स दिख रहा है, एफएक्स दिख रहा है क्यूबिक फंक्शन, सही है ना भाई, प्लस में 17x+1, श्योर है। इसका तुरंत f(x) निकालो। क्यूबिक फंक्शन का काफी हद तक आइडिया f(x) दे देता है। तो f(x) कितना हो गया, -6x+17, आपको ये दिख रहा है। अब जल्दी से इसका डी बताओ आप। इसका डी 36 - 4 × 3 × 17, 12 × 17 36 से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा। तो 36 में से जाएगा तो नेगेटिव। किसी का भी डी नेगेटिव होता है तो वो कैसा होता है, इसका मतलब f(x) माने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव। ये बात आप समझ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब आपका f(x) कैसा हो गया, पॉजिटिव। अरे f(x) पॉजिटिव माने ऐसे लिख दो ना। और किसी का भी f(x) ग्रेटर देन 0 माने फंक्शन इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा हुआ, इंक्रीजिंग, माने ग्राफ कैसा होगा, ऊपर उठता चला जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, तो मैं इसको लिखा हूं ग्राफ शूट अप। अरे तो भागता ही जाएगा भैया, नीचे थोड़ी ना आएगा मूड करके, एक बार जो गया सो गया, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है। अब आप में से एक चीज और पूछता हूं, ठीक है ना भाई, ऐसे एक नकली ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस ग्राफ के बारे में आप मैं दोनों उतना ही जानते, जितना मैं जानता हूं तो आप जानते, आपको पता नहीं। बस मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन, आप जवाब देना, आपको पता चल जाएगा। बताओ साहब, f0 फंक्शन की 0 पे वैल्यू, फंक्शन में 0 डालो कितना है, 1। तो इसका मतलब ये कि 0 पर 1 है। क्या आपको बात समझ में आई, फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। इसका मतलब ये कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है ग्राफ, और कहां, इस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे कहां टकरा है, 0, 1। तो इसका मतलब यूं ही गया होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट तो ऐसे ही जा सकता है, इंक्रीजिंग है भाई। कितने लोगों को पता है कि ये अपने आप में पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल, क्यूबिक। इसका इसका रेंज आर, ये तो पता है ना, क्योंकि ऑड पॉलीनोमियल है, इसका रेंज आर, इसका डोमेन आर। इसका मतलब पूरा माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी बनेगा, पूरा ग्राफ बनेगा, पूरी रेंज खींचेगा, और 0.1 पे यहां होगा। क्या आप मेरी बात समझे? अच्छा, अगर ये राइट टू लेफ्ट जाता तो वो यूं जा सकता था, लेकिन क्योंकि इसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग होना होता है, इसलिए उसके बाद एक ही चॉइस थी कि वो यूं ही जाएगा, नहीं है। 0.1 पर जाने के लिए इसको उधर से ही आना था, उधर से ही आ सकता था। अब कहीं पे भी आए, जहां पे भी टकरा गया, वहां अल्फा जनरेट हो गया। कितने लोगों को समझ में आया, अल्फा वाई एक्सिस के उधर है, उधर अल्फा कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब ये कि अल्फा नेगेटिव, ठीक है ना। तो कहना मतलब पॉइंट बाय ग्राफ, इट इज क्लियर, ठीक है ना, दैट अल्फा इज अल्फा नेगेटिव है भाई। आप में से कितने लोगों को पता चला, मांगने वाले ने पहली चीज मांगी है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/अल्फा, सही है, जिसमें मुझे पता चल चुका है कि अल्फा नेगेटिव है। वो ऊपर दे सकता था, लेकिन वो देना नहीं चाहता था खुले हाथों से, वो क्वेश्चन में यही पूछना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि आप ढूंढो अल्फा नेगेटिव है, नहीं आया समझ में आपको, बात समझ में आई इस क्वेश्चन का। नहीं तो कोई ढक्कन बच्चा जवाब देता π/2, क्यों, क्योंकि उसको यहां tan इनवर्स 1/अल्फा की जगह कितना दिखता, cot इनवर्स अल्फा, और tan इनवर्स अल्फा प्लस cot इनवर्स अल्फा π/2। लेकिन वो चाहता नहीं 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 अल्फा नेगेटिव है, और वो मैं देना नहीं चाहता, मैं छुपा के रख रहा हूं, मेरे हाथ से छीन के लेके जा। आप बात समझे, बात छुपाने की है। अब आपने निकाल लिया उसके हाथों से कि नहीं सब अल्फा नेगेटिव है, और मेरे टीचर ने मेरे को सिखाया है कि tan इनवर्स में जब भी अल्फा हो तो पहले माइनस अल्फा लिखो और माइनस बाहर लिखो, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि माइनस अल्फा लगते ही अंदर वाला पॉजिटिव। कितने लोगों को लगता है अंदर वाले को पॉजिटिव लिखते ही, tan इनवर्स में -1/अल्फा कर दूं या 1/-अल्फा, एक ही बात है, और माइनस को मेरे को, अच्छा क्या कहते हो, माइनस टोटली बाहर ले दो, माइनस टोटली बाहर ले जाते हैं, अंदर tan इनवर्स -अल्फा प्लस में tan इनवर्स 1/-अल्फा। अच्छा अभी एक बात बताओ, माइनस अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव, इसका मतलब नॉर्मल हो चुका है, कैसा हो चुका है, नॉर्मल, और ये भी नॉर्मल हो चुका है, दोनों नॉर्मलाइज हो गए। नॉर्मलाइज होने पर तो नॉर्मल केस चलेंगे, ठीक है, माइनस बार tan इनवर्स -अल्फा प्लस में इसको लिख देता हूं cot इनवर्स। अब मैं इसे चेंज कर सकता हूं, सही है, cot इनवर्स अल्फा माइनस अल्फा, ओके, क्या लगता है, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2, आंसर इज, जबकि हम क्या सोच रहे थे आंसर क्या है, π/2, जबकि आंसर क्या है, जस्ट बिकॉज क्योंकि अल्फा इज नेगेटिव। तो दैट्स द वे वी डील इट। अब आपको दूसरा क्वेश्चन खुद करना है घर पे, सही है। तो आप में से कितने लोगों को पता है, पहले यहां पे कितने लोगों को दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, cot इनवर्स माइनस अल्फा,
पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस अल्फा, कितने लोगों को याद आया? याद है ना, नेगेटिव के लिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहां पे मेरे को दिख रहा है पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस अल्फा, और यहां पे भी पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस वन अपॉन अल्फा, पाई और पाई जुड़ गया, टू पाई, टू पाई माइनस कॉमन आ गया, टू पाई माइनस कॉमन कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स वन अपॉन अल्फा, कॉट इनवर्स वन अपॉन अल्फा टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा टू पाई माइनस पाई बाय टू, कितना? थ्री पाई बाय टू, आंसर इज थ्री पाई बाय टू। ठीक है, मैंने सिर्फ एक रफ आइडिया दिया है, मुझे पता है आप में से कई लोग सिर्फ है ना बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें क्लिक कर रहा है, 40% ही से कर रहा है, करते जाओ आप। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 एंड सो ऑन अप टू साइन इनवर्स xn इज लेस देन इक्वल टू माइनस n पाई बाय 2। ठीक है ना भाई, फॉर ईच n बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर देन फॉर n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 m is greater than equal to 1, find the value of x1 cube, x3 ka cube, x to the power 5 ka cube and so on up to m plus 1 terms upon niche x2 ka square, x to the power 4 ka square, x to the power 6 ka square m terms। ठीक है भाई, और आंसर जो गिवन है वो है n प्लस वन अपॉन n माइनस वन, ट्राई कीजिए। नहीं क्या सोचा? हाँ आइडिया सोचा, आइडिया दो कि सर ये आइडिया है। हाँ ये तेरा सोच बराबर है, क्योंकि इसने बराबर बोला। क्या आपको ये बात ध्यान है कि साइन वर्स एक्स जो होता है वो माइनस पाई बाय टू से, सॉरी पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू, क्या आपको ये बात पता है? इसका मतलब हर साइन वर्स एक्स हमेशा माइनस पाई बाय टू से तो बड़ा ही होता है। ये कितने साइन वर्स हैं? एन। अगर ये अपनी लोएस्ट कैटेगरी भी शो कर देना, नीचे से नीचे भी बॉल डाल देंगे ना, तो माइनस एन पाई बाय टू बार ही जा सकती है बॉल, क्योंकि ये अपना लो कितने पे दे रहा है, इसका लोएस्ट क्या है? इसका लोएस्ट माइनस पाई बाय टू है, इससे नीचे जा ही नहीं सकता। इसका लोएस्ट कितना है? माइनस पाई बाय टू। इसका मतलब ये कि एन बार माइनस पाई बाय टू भी दे देंगे ना सारे के सारे, तब भी माइनस एन पाई बाय टू तक ही जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा। लेकिन ये तो इसे उससे भी नीचे लेके जा रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं किसको एक्सेप्ट करूं? इसका मतलब ये कि लोएस्ट इज अगर माइनस पाई बाय टू, तो कहना मतलब ये कि साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स एक्स थ्री से बढ़ते बढ़ते साइन इनवर्स एक्स एन इज इक्वल टू माइनस एन पाई बाय टू इज पॉसिबल ओनली। क्या आपको ये बात समझ में आया? इतना ही संभव है, इसमें लेस देन इक्वल टू में लेस देन संभव ही नहीं है। अरे वो अपनी सबसे निचली बॉल को खेल रहा है, बात समझ में आई आपको? हाँ, बस इससे नीचे नहीं जा सकता। इसका मतलब ये इक्वल टू होना चाहिए था, इस लेस देन में मैं लेस देन को भगा दूंगा, सिर्फ इक्वल टू को एक्सेप्ट कर लूंगा। और ये इक्वल टू भी कब पॉसिबल है? जब वो भी कब? जब साइन इनवर्स एक्स वन इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू इज इक्वल टू डेड डैश साइन इनवर्स एक्स एन हर एक जना कितना हो जाए? माइनस पाई बाय टू हो जाए। और आपको पता है साइन इनवर्स में माइनस पाई बाय टू बोले तो एक्स वन की वैल्यू कितनी, कितना x1 कितना? So, इसका मतलब है x1 is equal to x2 is equal to x3 is equal to dead dash xn is equal to सबकी वैल्यू कितनी हो गई? माइनस वन। ये सब माइनस वन हो गए। अब अगर ये सब माइनस वन हो गए तो कितने लोगों को पता है इस सब की वैल्यू, बोलो। इसका मतलब ये कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x1 का क्यूब प्लस x3 का क्यूब dead dash कितनी बार? n प्लस वन टाइम्स। क्या आपको ये बात समझ में आई? अपॉन में नीचे में से पूछा जा रहा है x2 का स्क्वायर प्लस
x4 का स्क्वायर कितनी बार, m टाइम्स। अच्छा बताओ साहब इसकी वैल्यू, x1 की वैल्यू -1, -1 का क्यूब ये भी तो -1 कितनी बार, तो मैं सबके लिख दूं -1 -1 -1 कितनी m+1 बार लिख दूं भाई। उसी प्रकार से नीचे क्या होगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 1 + 1 + 1 कितनी बार, m बार। इसका मतलब ऊपर कितना बना -m+1, नीचे कितना बना m, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। अच्छा लेकिन आंसर तो n में कैसे दूं, ना तो दिया होगा ना m = कितना बोलो, वो लिख देता हूं माइनस में कितना लिखना बोलो, कितना n-1/2 और नीचे n-1/2, क्या आंसर आ गया क्या, एक पीछे प्लस वन और कर लेंगे सही है, क्या आंसर आ गया एग्जैक्टली ये आंसर आ जाएगा। सही है, उल्टा इसके अंदर भी करेक्शन है, माइनस आगे ले लेना। हाँ कितना सिंपल क्वेश्चन होता है, सोचो आप कि इसमें आपको लेस देन इक्वल टू में सिर्फ इतना से एक्सेप्ट करना होता है कि सिर्फ पाई बाय टू ले लो भैया, इक्वल टू ही चूज करो। याद है हमने कोई ऐसा क्वेश्चन किया कभी, साइनवर्स एक्स प्लस साइनवर्स वाई प्लस साइनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2, ये तो बचपन से कर रहे हैं ना अपन, फिर वही वैसा टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा बदल दिया हमने। अब ऐसे क्वेश्चन अक्सर आईटी में आने के बहुत प्रोबेबिलिटी रखते हैं, क्यों, क्योंकि इसको देखते ही अपने हाथ पैर फूल जाते हैं, वो रूम ठीक है, वो पोजीशन जिसमें अपन आईटी दे रहे हैं ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है बस इस साल ही जो करना है करना है, अगले साल पता नहीं घर वाले कितना एक्सेप्ट करें ठीक है, बहुत सारी दबाव और उनके बावजूद भी इस तरह का क्वेश्चन उस समय तो साइन वर्स एक्स कहां से काम होता है ये भी स्ट्राइक नहीं करता ठीक है, कहां अपन ये सब संभाल लेंगे, लेकिन फिर भी आपको करना तो ही ना, तो मेक इट पॉसिबल। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट करे बगैर अगले क्वेश्चन की तरफ भाग रहा हूं। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स अगेन ब्रैकेट में टाइम वर्स एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है साहब, देन एक्स बिलोंग्स टू ? मजा आ जाएगा। पहली लाइन आपकी है, पहली लाइन आपकी, अच्छे बच्चे हर बार पहली लाइन उठाओ, क्योंकि आप ही अननोन को सीखो, आपको ही अचानक ऐसा क्वेश्चन पेपरों में मिलता है, आपको पहली लाइन स्ट्राइक करनी आनी चाहिए। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं कि आप सोचो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर समथिंग इक्वल टू 1 माने अगली लाइन में क्या लिखते हैं, 1 से 2 मतलब आप सही बोले, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर रहा हूं। आपको पता है किसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब वो सारा टर्म टीम ठीक है ना, साइन वर्स में कॉस इनवर्स में साइन इनवर्स में टैन इनवर्स x इज इन बिटवीन, कितना लिखूं यहां पे, कितना लिखूं यहां, कितना लिखना है 1 और यहां कितना 2 π/2। अरे ध्यान से सोचा क्या, इधर नहीं है क्या इक्वल, इधर नहीं है क्या, आपने ध्यान ही दिया मेरे इतने बड़े शॉट को आपने कैसे हवा कर दिया, मैंने 2 लिखा ही नहीं, आपने वो ध्यान ही नहीं दिया, आप तो इक्वल में लटक गए, आप में से कोई सोच नहीं सकता था ये, हर एक जना 2 लिख के आता है, हर एक जना 2 लिख के आता है। मैंने क्या खेला, मैंने लिखा π/2, कारण बताओ क्यों, 2 क्यों नहीं लिखा, 2 से बहुत पहले साइन वर्स उठ चुका होगा, क्योंकि ये भी तो साइन वर्स है इस पूरी कहानी का माई बाप, समझ रहे हैं आप, नहीं अरे माई बाप ठीक है, इस पूरी कहानी का माई बाप ठीक है, इस पूरी कहानी का माई बाप जो है ना, मैंने माई, मैंने कहा नहीं मेरे तो नहीं है ठीक है, तो तुरंत पलट जाओ। अच्छा कितने लोगों ये पता है ना साइन वर्स कहां से काम होता है, माइनस π/2 से π/2, तो π/2 से तो ऊपर जाएगा ही नहीं ना, तो 2 तो जिंदगी में नहीं सोच सकता। अब कई बच्चे सोचते हैं 2 नहीं सोच सकता, π/2 कैसे सोच लिया ठीक है, अरे 1.57। अच्छा अगली कहानी में देखना, अब मैं देखता हूं कितने लोग समझ गए कि मैंने क्या लिखा, cos इनवर्स में sin इनवर्स में tan इनवर्स x इज लेस देन 1 और उधर sin 1, सोच गया अगली कहानी के अंदर sin इनवर्स में tan इनवर्स इधर cos 1, क्या कहते हो उधर cos sin 1 और sin ऑफ इनइक्वालिटी चेंज काहे बस स्ट्राइक कर रहा है। अगली कहानी के अंदर tan इनवर्स x इज sin cos 1, sin में cos 1 भाई, ना मुझे पता ना आपको पता, आप क्यों दर्द ले रहे हो,
मुझे नहीं पता कॉस वन कहता हूं तो मैं क्यों पता करूंगा, ठीक है ना। अच्छा कई लोग सोचते कॉस वन इज इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो वन, ठीक है। अच्छा इधर की तरफ आ जाता हूं, वापस साइन में क्या लिखो, साइन कॉस, कॉस में साइन वन और साइन ऑफ इनइक्वालिटी एज इट इज, ठीक है। और फाइनली अपना आंसर आने वाला वो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट लिख दूं, तो इट इज ऑलवेज इन बिटवीन टेन साइन कॉस वन, सही है, टू टेन साइन कॉस साइन वन, क्या कहते हो आप, लीजिए सब हो गया डन, ठीक है। अभी आ गया अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आओ मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा करके आपसे है ना झगड़ा तो मोल नहीं ले रहा ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट ऑफ टेन वन टेन इनवर्स वन साइन वन एंड साइन इनवर्स वन क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल हटकर के क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा सरकारी नोट से चलने की, पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो क्वेश्चंस जो आपको अक्सर अचानक से देखने को मिल जाते हैं पेपरों में कि इस तरह के इस लेवल की बातें उठती हैं तो हमारे को समझ में भी आए और क्वेश्चन भी हो। अगले क्वेश्चन बताता हूं, दिख गया आपको, सब में बड़ा कौन, टेन वन टेन वर्स वन साइन वन साइन वर्स वन, सबसे पहले इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू टेन सिक्सटी डिग्री, क्या आपको क्लिक कर गया, टेन सिक्सटी डिग्री बोले तो रूट थ्री, रूट थ्री बोले तो, रूट थ्री बोले तो 1.7, तो एक काम तो डन हो गया। टेन वर्स वन बोलो, हाँ फटाफट अच्छे बच्चे, फाइव बाई फोर बस खत्म करा करो, फाइव बाई फोर का मतलब बोलो, अरे 1.57 का भी आधा तो 1.8, 1.6 का आधा, 1.6 का आधा 0.8 तो 0.77 लिख लूं, सही है भाई, इन दोनों में तो पक्का हो गया कौन बड़ा है, नहीं अभी भी नहीं पता था, इन दोनों में कौन बड़ा है, टेन वन या टेन वर्स वन, टेन वन, अरे दिमाग लगा तेरा तो। अच्छा साइन वन होता है साइन सिक्सटी, सोच लो साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी बोले तो रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू मैंने इसका भी आधा, 1.7 का आधा 0.85, अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहा, साइन इनवर्स वन पाई बाई, अरे टू साइन पाई बाई टू वन, तो साइन इनवर्स वन पाई बाई टू कितना 1.57, बताओ सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन, टेन वन लिख लूंगे भाई, तो फाइनली ग्रेटेस्ट इज टेन वन। हाँ भाई क्वेश्चन है, सॉल्व टैन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5π² / 8, सही है, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें माने किसकी वैल्यू निकालें, अरे इसको सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालूंगा, एक्स खत्म, सही है। अब बड़े ध्यान से सुनना, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें टेन वर्स और कॉट इनवर्स हो, साइन वर्स और कॉस इनवर्स हो, क्या बोला मैंने, टेन वर्स और कॉट इनवर्स, साइन वर्स और कॉस इनवर्स, इनमें कोई खास बात है, कॉम्प्लीमेंट्री वाली फील है। अब जरा ध्यान से सुनना, किसी भी एक को, किसी भी एक को दूसरे में बदल दो, किसी भी एक को दूसरे में बदल दो का मतलब समझना, इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैंने ऐसा लिख डाला तो प्लस के अंदर एक cot inverse x का होल स्क्वायर चलता रहेगा, इज इक्वल टू मैं 5π² / 8 चल जाएगा, क्या मेरी बात से सहमत है, नहीं है, ये बात समझ में आई, इसको ऐसा लिखना गलत तो नहीं है, अरे tan inverse x + cot inverse x अगर π / 2 तो tan inverse x बराबर π / 2 - cot inverse x, काम कॉमा में रहने लग गया आजकल, ये बात समझ में आई। अच्छा क्या आपको लगता है कि ये हो गया π / 2 - t का होल स्क्वायर + t स्क्वायर इज इक्वल टू 5π² / 8, यहां तक की बात समझ में आ गई, फटाफट से तोड़ना चालू करो, पाई स्क्वायर बाई फोर प्लस टी स्क्वायर टू टी स्क्वायर माइनस में पाई टी इक्वल टू में 5π² / 8, सोचना चालू रखा जाए, क्या आप यहां तक बराबर है, अच्छा पाई स्क्वायर बाई फोर है, मेरे को 2π² / 8 लग रहा है, क्या बोला मैंने, 2π² / 8 उधर जा रहा है, यहां पर रह गया 2t² - πt इक्वल टू कितना रह गया उधर
3 pi square by 8 को इधर बोला है माइनस का 3 pi square by 8, अभी भी पहले नहीं पढ़ रहा, सही है। यहां तक आने के बाद आप मेरी जगह तो पहला काम क्या करते, एलसीएम ले लूं, बोलो कितना दिख रहा है, 16t² - 8πt माइनस में 3 pi square, इसकी जगह अब बताओ जल्दी से 8 प्लस में जाओ और सोच के बताओ पहला काम क्या करते, फैक्टराइज। फैक्टराइज करने का तरीका याद है, इन दोनों की मल्टीप्लाई सोचो, इन दोनों की मल्टीप्लाई सोचो, 48 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, अरे मल्टीप्लाई भी आधी कर दो, पाई स्क्वायर टी स्क्वायर कोई घर में तो नहीं बैठ के करेगा, तो कितना 12m4, गुड, तो कितना लिख दिया 16t² माइनस 12πt प्लस में 4πt नहीं आया, अच्छा और प्लस में माइनस का 3π² इक्वल टू 0, बराबर है क्या अपन, गलत तो नहीं जा रहे, पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलो, 4t के कॉमन आने के बाद 4t माइनस 3π, अगले वाले में कॉमन क्या आ रहा है, पाई, अंदर क्या बचा 4t माइनस 3π, अच्छा जल्दी से बोलो आगे, बोलो 4t माइनस 3π लिख दो भाई, 4t माइनस 3π इनटू में कितना 4t माइनस प्लस का पाई इज इक्वल टू में कितना 0, तो t की दो वैल्यूज कौन कौन सी जल्दी बोलो, 3π/4 और दूसरी वाली t इज इक्वल टू माइनस 5/4, अब इन दोनों में किसको एक्सेप्ट करूं, इसको या उसको, बोलना आप ही को पड़ेगा ना, किसको 3π/4 को, क्यों माइनस 5/4 को नहीं, पक्की बात है ना, क्यों, क्योंकि मैंने t किसे माना, cot inverse x बराबर में मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3π/4 कॉमा माइनस 5/4, और आपको याद दिला रहा हूं कि cot inverse x रहता कहां से काम है, 0 से पाई, और 0 से पाई में माइनस 5/4 नहीं होता, इसका मतलब ओनली वन आंसर एक्सेप्टेबल, तो x = कितना लिख रहा बोलो तो सही, x = cot 3π/4, वो तो आगे बोलो cot 135° माइनस 1, अरे tan 135 माइनस 1, तो ये भी माइनस 1, तो x = -1 सॉल्व हो गया, जल्दी जल्दी, हल्का फुल्का पकड़ना ही बात आपके, टाइम आ गया आपकी खोपड़ी में फंसा देने का इस बात को कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्स हो तो एक को दूसरे में बदल लो, फिर जाके ही बात सोचो, इस बात को आपके दिमाग में फंसा देने का मेरे को, जल्दी से चलो आगे, स्लो रहो ना, इधर देख लो, फिर कोई बात ही नहीं होगा, कॉपी तो छोड़ दो, समझ में आया तेरे को पक्का, चलो आगे चले, देखो सर पहली बात क्या आपको ये दिखा कि मैं पहला स्टेप लूंगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इतने में कोई एतराज, पक्की बात, अचानक से कई लोगों को इसको टी स्क्वायर प्लस पाई बाय 2 माइनस टी का होल स्क्वायर दिख रहा हो, दिख गया, अगले स्टेप में अंदर कई लोगों को क्या दिख रहा है बोलो 2t², वेरी गुड, ये बात बराबर है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, आगे बोलते जाओ माइनस पाई टी, पक्का है भाई, सही ना, अब बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि ये बच्चे के दिमाग में आनी चाहिए भाई, ये तरीका, हर बार एक जैसा मेथड नहीं, कुछ डिफरेंट भी सोचा जाता है, उसको सोचो, मैंने मतलब जाऊंगा उसी रास्ते से, लेकिन मैं क्योंकि पिछली बार क्या था, मेरे सामने एक और चीज पड़ी थी, यहाँ इक्वल टू 0 था, दिख रहा है आपको, तो मैं डील कर सकता था, इस बार मेरे को इक्वल टू 0 को डील नहीं करना है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू निकालना, मैंने एक तरह से रेंज निकालना है, आप अगर समझ रहे हैं तो मैं एक तरह से रेंज का क्वेश्चन कर रहा हूँ इनवर्स की, आप दिमाग लगाओ, देखो पाई स्क्वायर बाई 4 कांस्टेंट है, मैंने कहा तू बाहर जा, क्योंकि याद है मैं किसी भी क्वाड्रेटिक को पहले कांस्टेंट को बाहर निकालूंगा, अब आपके सामने क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, आप चाहो तो 2 कॉमन ले लेता हूँ,
ठीक है ना, अंदर आ गया टी स्क्वायर माइनस पाई टी बाई टू, सही ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा उसका जवाब देना, टी स्क्वायर का कोफिशियंट कितना, वन, क्योंकि टू को तो बाहर ले गया, टी स्क्वायर का कोफिशियंट कितना, वन। जैसे ही टी स्क्वायर का कोफिशियंट वन हुआ, टी पर नजर डालो, टी का कोफिशियंट कितना, पाई बाई टू, उसका आधा कर लो, पाई बाई फोर, कितना, पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर का स्क्वायर माने पाई स्क्वायर बाई 16 जोड़ूंगा और पाई स्क्वायर बाई 16 घटा दूंगा। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई, और जैसे ही बात समझ में आ जाएगी आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि मेरी अगली पेशकश क्या होगी, टू को बाहर रखते हुए, सही है, किसी को दिख गया, इसको मैं लिख लूंगा टी माइनस पाई बाई फोर का होली स्क्वायर, तो टू टी माइनस पाई बाई फोर का होली स्क्वायर, और टू किससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, अब आपको पता चल गया होगा मैं पूरी तरह किस तरफ आ चुका हूँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने के मोड में। ये कितना दिख रहा है आपको, मुझे 2 पाई स्क्वायर बाई 8 दिख रहा है, कितना दिख रहा है आपको, 2 पाई स्क्वायर बाई 8, उसमें से पाई स्क्वायर बाई 8 घटा दो, कितना 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 पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस में कितना दिख रहा है बोलो, 2 टाइम्स टी माइनस, टी की जगह वापस जनरेट कर रहा हूं साइन इनवर्स एक्स, नहीं है साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अब जल्दी से सोच के जवाब देना, आपको पता है ये तो कॉन्स्टेंट है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर का मिनिमम मिनिमम जीरो, तो मिनिमम निकालने का तरीका देखो जरा, मैं मिनिमम की बात करता हूं, मिनिमम के टाइम पे ये स्क्वायर जीरो, तो मैं यहां लिख देता हूं पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस 2 इंटू जीरो, सही ना। मैक्सिमम का मुझे नहीं पता, मैक्सिमम का उन बच्चों को लेकर के चलता हूं जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस अटेंड करी थी, ठीक है, उस दौरान में मैंने मैक्सिमम मिनिमम के दौरान बताया था कि हमेशा क्रिटिकल पॉइंट उठाते हैं, साइन थीटा के क्रिटिकल पॉइंट होते हैं साइन थीटा के माइनस वन जीरो और वन, कॉस थीटा के माइनस वन जीरो और वन, सही ना, टेन थीटा के जीरो इंफिनिट और माइनस इंफिनिट, लेकिन साइन इनवर्स एक्स के क्रिटिकल पॉइंट सोचो आप, पाई स्क्वायर बाई 8 इनटू प्लस में कितना 2 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स की क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन जीरो और वन, ना 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 माइनस पाई बाई 2, हाँ क्योंकि साइन थीटा में होता है माइनस वन, इसका कितना लिखूं माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉमा, एक सेकंड आपसे पूछूंगा पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस में 2 टाइम्स जीरो माइनस, सही है, का होल स्क्वायर प्लस एक कॉमा और दूसरी तरफ कितना पाई स्क्वायर बाई 8 और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या बता रहा हूं जल्दी से, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, श्योर है, का होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। अच्छा आप बताओ कौन सबसे बड़ा आंसर देने वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैक्सिमम ढूंढ रहा मिनिमम तो ढूंढ चुका, अरे ये तो जीरो में से घटा रहे हो, आराम से सोचो आराम से, ये पाई बाई 4 है, अंदर वाला पाई बाई 4 बच गया, पाई बाई 4 का स्क्वायर और माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर एक ही बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये कितना है, ये कितना है, किसी को आइडिया है ये कितना है, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 9 पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 और इंटू में पाई स्क्वायर बाई 8, 2 से गया तो 8, इट इज 10 पाई स्क्वायर बाई 10 पाई स्क्वायर बाई 8 का मतलब 5 पाई स्क्वायर बाई 4, ये आपका मैक्सिमम आया, इसका मतलब कैपिटल एम आया और ये आपका स्मॉल एम, ठीक है, और मांगने वाले हाँ अच्छा स्क्वायर नहीं लगा था, ठीक है, यहां तक की बात पकड़ में आई, तो ये सब मिटा दूं पीछे का, यह बात समझने के लिए जरूरी है। अच्छा जल्दी से बता दो कैपिटल एम बाई एम तो बोलो 5 पाई स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई कितना पाई स्क्वायर बाई 8, मुझे 10 पाई स्क्वायर बाई 8 दिख रहा है, शायद 10 ही हो गया है ना, बहुत ही अल्टीमेट चीज चल गई। अब आपने रेंज निकालना सीखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की, ठीक है ना, जल्दी अब मैं स्टेप खा के जाऊंगा, ये बेसिकली किसी को सीरियसली नहीं पता होता
कि ये तीन स्टेप चलते हैं पैरेलली। ये बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे के समझने के लिए कि अच्छा ऐसे तीन जगह सोचा था कि सर ने, वाकई में तीन जगह सोचा था, क्योंकि बुक्स में हम लोग यही देखते हैं बस, डायरेक्ट लिखने वाला ये लिख गया तो अपने को स्ट्राइक नहीं करता हुआ क्या, उसे कैसे पता चला माइनस बाबर टू पे आएगा, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी। इधर आ जाओ, ठीक है, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं टी क्यूब प्लस पाई बाय टू माइनस टी का होल क्यूब, पहला स्टेप बोल नहीं रहा, छोड़ दो ना, हो गया जितना कॉपी, इधर दिमाग लगो ना, क्या जबरदस्त चीज आएगी ये, और उसका भी बाप है, यादव की बात समझ में आई नहीं, माई हटाओ इसको, ये आप लोग ही खेलना माई बाप का, ये उसका भी बाप है, उसका भी बाप है ना। अच्छा ये बात समझ में आ गई, अच्छा सेकंड पॉइंट सुनना, अब बड़े ध्यान से इसको सुनना, टी क्यूब जिन्हें ए प्लस बी का होल क्यूब आज तक नहीं आया, आज फिर कोशिश करें, सबसे पहले पाई बाय टू का होल क्यूब माने पाई क्यूब बाई, सही ना भाई। अगला सुनो आप तो प्लस, बड़े ध्यान से सुनिएगा, प्लस तीन इंटू पाई बाय टू का होल स्क्वायर इंटू में माइनस टी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, थ्री इंटू में पाई बाय टू का होल स्क्वायर इंटू में माइनस टी प्लस थ्री इंटू पाई बाय टू इंटू माइनस टी का स्क्वायर प्लस माइनस टी का होल क्यूब। जिन्हें बाइनोमियल थ्योरम याद है उनके तरीके से चलता हूं, पहले का क्यूब प्लस में तीन सी जीरो, पहले यहां तीन सी जीरो, फिर तीन सी एक, ये तीन सी दो और ये तीन सी तीन, ठीक है, और अंदर ही अंदर पहले का स्क्वायर है, क्योंकि देखो डिग्री कम हुई, पाई बाई टू की डिग्री हम यहां की थी, यहां तीन थी, यहां दो रहेगी, तब तक पास वाला जनरेट, उसकी डिग्री एक, फिर इसकी डिग्री एक और उसकी डिग्री दो, फिर लास्ट वाले की तीन, नहीं आया, माइनस टी की डिग्री बढ़ रही है और पाई बाई टू की डिग्री घट रही है, नहीं आया अभी भी, चलो अब देखो जिन्हें नहीं आया वो छोड़ दो, ठीक है, ये और ये कट गया, क्या ये तो समझ में आया, ये भी नहीं आया, ये तो आई गया होगा। अच्छा जल्दी से सोच के जवाब देना कि ये बन गया थ्री पाई बाई टू कॉन्स्टेंट इंटू टी का स्क्वायर माइनस में थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर इंटू में टी, सही है, प्लस में पाई क्यूब बाई एट, क्या आपको दिख गया ये जो मैंने यहां लिखा ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है, ये बात तो समझ में आ गई, इसका मतलब जिसको आप डील कर रहे हो दैट इज अ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक की रेंज निकाली तो आपका आंसर बन गया। क्या आप ये जानते हो आपने ऊपर ही टी इक्वल टू में साइन इनवर्स एक्स मान लिया था, इनडायरेक्ट वे में आपकी खिड़की माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ही देखने की खुली थी और आपकी क्वाड्रेटिक आ चुकी है। क्वाड्रेटिक आते ही सबसे पहला काम, अगर मैं इसे कुछ फंक्शन मान लेता हूं तो सबसे पहला काम इसका वर्टेक्स निकालना होता है, उस दिन भी मैंने सीखा था एक वर्टेक्स में, तो सबसे पहले वर्टेक्स निकालने का मैंने एक तरीका बताया था, या तो डिफरेंशिएट करो माइनस डी बाई फोर ए, अच्छा वो किस पे आता है ये भी पता है आपको, छोड़ो आप ऐसा मत दिमाग लाओ, आप तो इसको एफ टी मान लो एक बार के लिए, आप पहले एफ डैश टी निकालो, बोलो बोलो एफ डैश टी बोलो जल्दी से, थ्री पाई बाई टू इंटू टू टी, वेरी गुड, ये कॉन्स्टेंट चुपचाप टी स्क्वायर का टू टी, इसको डिफरेंशिएट करो माइनस का थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू जीरो करो, टी की वैल्यू बोलना, टी इक्वल टू कितना हो गया थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर डिवाइड बाई नीचे कितना थ्री पाई, थ्री से थ्री गया पाई से पाई गया कितना बचा सा पाई बाई फोर, इसका मतलब इसका वर्टेक्स कहां पे आ रहा है, वर्टेक्स इज कमिंग एट पाई बाई फोर, ये वर्टेक्स आ गया, सही है, सबसे पहले वर्टेक्स पता करो, सबसे पहले क्या पता करो वर्टेक्स। अच्छा कितने लोगों को पता है क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, अच्छा इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, कितने लोगों को पता है इसकी वर्टेक्स क्या चीज होती है, किसी को याद है, पैराबोला की जहां पे लास्ट पॉइंट आएगा मिनिमम पॉइंट, याद आ गया मिनिमम पॉइंट टी की किस वैल्यू पे आ रहा है पाई बाय फोर पे, हम देख कहां से कहां में रहे हैं, तो मैं आपके सामने एक बार के लिए माइनस पाई बाय टू यहां पकड़ रहा हूं और पाई बाय टू यहां पकड़ रहा हूं, पाई बाय टू इतनी दूरी पे यहां पकड़ रहा हूं, पकड़ लूं, अब जल्दी सोच के बताना हमारा वर्टेक्स कहां है, पाई बाय फोर खुद कहां होगा, इससे पहले या उधर या इधर, यहां कहीं पहुंचा ना, मैं यहां लिख लूं पाई बाय फोर, श्योर है, इसका मतलब ये कि वर्टेक्स यहां होगा पाई बाय फोर, श्योर इस पे वर्टेक्स यहां होगा, सही है ना भाई। अच्छा वर्टेक्स अगर यहां होगा तो एक बार के लिए ग्राफ ऐसा जा रहा होगा भाई, सही है, अब जल्दी सोच के जवाब देना, पाई बाई टू पर वैल्यू यही होगी और माइनस पाई बाई टू पर जो वैल्यू होगी वो यहां होगी, कोई मेरे को बताएगा ग्राफ जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ इतना ही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, अगर मैं इतना ग्राफ देख रहा हूं लोएस्ट वैल्यू कहां आ रही है, लोएस्ट इज कमिंग एट पाई बाई फोर और हाईएस्ट इज कमिंग एट माइनस पाई बाई टू, इसका मतलब ये कि रेंज का जो मिनिमम आएगा, मिनिमम निकालने के लिए मुझे फंक्शन में कितना रखना चाहिए पाई बाय फोर रखना चाहिए, अभी भी नहीं पल्ले पड़ा, फंक्शन में मुझे कितना रखना चाहिए पाई बाय फोर रखना चाहिए,
और मैक्सिमम निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, फंक्शन में पाई बाय 2 रखना चाहिए। क्या आप माइनस करो, क्या आप रख लेंगे? कौन से फंक्शन में रखेंगे तो बता दो। सही है। अब ये कैलकुलेशन आपको करके लानी है कल के दिन। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है। रेंज के दो क्वेश्चन बहुत ही धांसू माने जाते हैं, एक तो ये वाला और एक वो वाला। नॉर्मली लोग वही कराते हैं, ये नहीं कराते, इसलिए ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कराए नहीं।